गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, इंग्लिश में आज हमारा टॉपिक है ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई अपोजिट डब्ल्यू ओ आर डी एस वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स मीन्स क्या होता है? विलोम शब्द। बेटा विलोम शब्द कौन से होते हैं? ऐसे होते हैं जैसे ऑपोजिट वर्ड इंग्लिश में इसको क्या करेंगे हम, जैसे डे है, डे मीन्स क्या होता है? दिन। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड में उसका डे का अपोजिट होगा नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, तो इसी ये तो आपका एग्जांपल था, इसी तरीके के वर्ड्स आज हम लिखेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखिए सी ओ एम ई कम। कम मीन्स क्या होता है जानते हैं? कम मीन्स होता है आना। अब इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा जी ओ गो। कम का अपोजिट होगा गो। कम मीन्स होता है आना और गो मीन्स जाना। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे एस एम ए डबल एल स्मॉल। स्मॉल का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल का ये बेटा कोई खास सिंबल नहीं है, बस बीच में एक वो है, एक क्या बोलते हैं, एक सिंबल है जिसे दोनों को अलग किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग यक्स मत मानिएगा। ठीक है, तो स्मॉल है, स्मॉल का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल का अपोजिट होगा बिग। बी आई जी बिग। ठीक है, स्मॉल मीन्स होता है बेटा छोटा। एस एम ए डबल एल स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा और स्मॉल का अपोजिट होगा बी आई जी बिग। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे यू पी अप। अप मीन्स क्या होता है? ऊपर। अप मीन्स होता है ऊपर। अब इसका ऊपर का जो है अपोजिट क्या होगा? नीचे। तो नीचे किसके मीन्स होता है? डाउन मीन्स। किसके मीन्स बेटा? डाउन मीन्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी ओ डब्ल्यू एन डाउन। अप का अपोजिट हो गया डाउन। अप मीन्स ऊपर एंड डाउन मीन्स नीचे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लिखेंगे लिखेंगे डी ए वाई डे। डे मीन्स होता है दिन। अब डे का अपोजिट होगा नाइट। एन आई जी एच टी नाइट। डे मीन्स होता है दिन और नाइट मीन्स होता है रात। ठीक है बेटा, इसके बाद हम एक और लिखेंगे, लिखेंगे सी ओ एल डी कोल्ड। कोल्ड मीन्स होता है बेटा ठंडा। आइसक्रीम कैसी होती है? कोल्ड होती है ना, जैसे कि हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक मीन्स जो ठंडी होती है, जैसे थम्सअप है, पेप्सी है, ये सब क्या होती है? ये सब बेटा कोल्ड ड्रिंक होती है ना, मीन्स ठंडी होती है। ठीक है, तो कोल्ड का ऑपोजिट क्या होगा? कोल्ड का अपोजिट होगा हॉट। क्या होगा? हॉट। हॉट मीन्स होता है गर्म। एच ओ टी हॉट। हॉट मीन्स गर्म। जैसे कोल्ड ड्रिंक मीन्स जैसे पेप्सी है और माजा है, फ्रूटी है, ये सारी कोल्ड होती है। और जैसे आपकी चाय है, टी, कॉफ़ी, ये सब क्या होती है? ये हॉट होती है। क्या होती है बेटा? हॉट होती है। ठीक है, चलिए एक बार इसका रिविज़न हम कर लेते हैं। देखिए ये है आपका अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स मीन्स होता है बेटा विलोम शब्द। कम का अपोजिट होगा गो, स्मॉल का बिग, अप का डाउन, डे का नाइट और कोल्ड का हॉट। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका आज इंग्लिश में ये आपका क्लास वर्क। अब आप देखिए बेटा, आपको हम होमवर्क में जो है जो क्लास वर्क रहेगा उसको बिल्कुल नहीं देंगे। होमवर्क आपका क्या रहेगा जानते हैं? होमवर्क आपका रहेगा, वन मिनट रुकिए, इसको हम इरेज कर देते हैं तब बताते हैं। होमवर्क में आपका एच डब्ल्यू डालेंगे आप ऊपर। होमवर्क में आपका रहेगा
साउंड ऑफ वॉवेल ए। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। अब तो आप बोलेंगे कि बहुत मैम ने तो बहुत इजी दे दिया। ठीक है, ये बेटा इजी तो है लेकिन आपको बिना देखे बिना चीटिंग के लिखना है। ठीक है, बिल्कुल भी आप चीटिंग नहीं करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और अगर चीटिंग आप करेंगे तो आपके मम्मा से पूछेंगे आप, क्योंकि हम तो देख नहीं रहे, लेकिन आपके घर पे आप अपनी मम्मा के पास, दादी के पास, दादाजी के पास, किसी के पास पास बैठ के तो होमवर्क करते होंगे ना। तो हम आपकी मम्मा से पूछेंगे कि बताइए हमारे बच्चे जो है चीटिंग किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, और वैसे भी आप लोग तो मेरे गुड बॉय हो, ठीक है, सब प्यारे बच्चे हो, तो कोई तो मुझे लगता है कोई भी इसमें चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क हो गया साउंड ऑफ वॉवेल ए। इसको आप बिना कहीं से देखिए, बिना चीटिंग के अपने मन से लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इंग्लिश में इतना ही। इसके बाद मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बेटा।